T20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल मुकाबला बड़ा हिरोमा चकरा गया। भारतीय टीमों के दहार से दहा गया साउथ अफ्रीका की टीम, जो सला इंडिया से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। T20 वर्ल्ड कप में किसी भी टीमों का औकात रही हुआ जो हमारी भारतीय टीमों को एक भी मैच हरा दे भैया। आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी T20 वर्ल्ड कप के जीत से खुश और सच्चे हिंदुस्तानी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा मेरे दोस्तों। T20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल मुकाबला भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया, जिसमें टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ओपन करने आए रोहित शर्मा और किंग कोहली। हालांकि भारतीय टीमों की शुरुआत काफी खराब रही। पावर प्ले में भारतीय टीमों ने 3 विकेट गंवा बैठे थे। रोहित शर्मा, ऋषभ पंत और सूर्यकुमार यादव तीनों ही जल्दी पावर प्ले लौट गए, लेकिन भैया विराट कोहली ने भारतीय टीमों को मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकाला। कहते हैं ना, बड़े खिलाड़ी हमेशा हर बड़े मंच पर अपना रंग दिखाता है, वही किंग कोहली ने अपना रंग दिखाया भैया। किंग कोहली और अक्षर पटेल के बीच चौथे विकेट के लिए 54 गेंदों में 72 रनों की तूफानी साझेदारी हुई है। वही किंग कोहली ने 69 गेंदों में 6 चौके और 2 चौके की मदद से 76 रनों के लाजवाब पारी खेली। किंग कोहली और अक्षर पटेल की शानदार बल्लेबाजी के दम पर भारत ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 176 रन बोर्ड पर लगा दिया। 176 रनों का लक्ष्य पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका की टीम। 2 ओवर में 2 विकेट गंवा बैठे थे अफ्रीकी टीम। भारतीय गेंदबाजों के सामने घुटने टेक दिया अफ्रीकी बल्लेबाज और 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 169 रन बना सकी। भारत ने 13 साल बाद T20 वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।